भाई तीन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल दिमाग में भौकाल मचा देने वाले शोज बताता हूँ जो एक बार भाई जरूर देखना। तो पहला शो है माइंड हंटर जो कि 2017 में आया था। भाई ये कमाल का शो लिखा हुआ है। इस शो के अंदर दो FBI एजेंट होते हैं जो कि भाई जेल के अंदर जाके बहुत सारे सीरियल किलर्स का इंटरव्यू करते हैं ये समझने के लिए भाई इनकी साइकोलॉजी क्या है, इनके दिमाग में भाई क्या चलता है कि सीरियल किलर बन जाते हैं। बहुत ही गजब का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इस शो के अंदर आपको। अगला शो है हाउस ऑफ कार्ड्स जो कि 2013 में आया था। भाई नेटफ्लिक्स का सबसे बवाल शो रह चुका है एक टाइम का। इस शो के अंदर एक कांग्रेसमैन होता है जो कि भाई प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहा होता है लेकिन बन नहीं पाता है। तो जिन लोगों की वजह से वो प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहा होता है उनके साथ वो बदला लेने की कोशिश करता है। कैसे लेता है बदला ये तो अब शो के अंदर देखो, लेकिन भाई आपने ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा इससे पहले नहीं देखा होगा। तीसरा शो है शेरलॉक जो कि 2010 में आया था। और भाई आपने शेरलॉक होम्स का नाम सुना ही होगा, बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं, बहुत सारे शोज भी आ चुके हैं, लेकिन मैं जिस तरीके का एग्जीक्यूशन इस शो के अंदर दिखाया शेरलॉक का किसी भी शो के अंदर या किसी भी मूवी के अंदर इससे पहले इससे बेहतर तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसका हर एपिसोड अलग ही तरीके की मिस्ट्री लेके आता है और साथ ही साथ एक पूरे शो के अंदर एक बड़ी मिस्ट्री भी चल रही होती है। शो भाई बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, तो एक बार जरूर देखना अगर अभी तक नहीं देखा है तो।